हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। आज फ्रेंड्स मैं आपको बैलेंस इनपुट का सर्किट बताऊंगा। बैलेंस इनपुट वहाँ यूज़ होती है जहाँ की हमें बहुत ही हाई क्वालिटी की वॉइस चाहिए होती है, और जैसे कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए या हाई फाई साउंड क्वालिटी के लिए और अच्छी फिडेलिटी लेने के लिए इसका बैलेंस इनपुट का यूज़ किया जाता है। तो चलिए, सर्किट बहुत ही सिंपल है और इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये 4558 TL072 या NE5532 का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये ओपेम इसमें इस आईसी में ओपेम दो होते हैं फ्रेंड्स, एक मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर आपको स्टूडियो बनाना है तो आप जो एक ओपेम और बचा हुआ है तो उसको आप यूज़ करके 5, 6, 7 तीन पिन को यूज़ करके आप दूसरा सर्किट बना सकते हैं इजीली। तो सर्किट बिल्कुल सिंपल है। बैलेंस इनपुट में फ्रेंड्स आप देख जानते ही होंगे हम यहाँ पर XLR इनपुट देते हैं। XLR जैक होता है, जैक आपको पता ही हुआ। XLR जैक में एक नंबर पिन ग्राउंड होती है, ये यहाँ से ग्राउंड है। दो नंबर पिन नॉन इन्वर्टिंग पिन, तीन नंबर पिन इन्वर्टिंग पिन। तो ये ऐसा सर्किट है। तो तीन नंबर पिन और दो नंबर पिन पर ये देख रहे होंगे आप 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है दोनों तरफ, और दोनों से ही 10K की रेजिस्टेंस हमने ग्राउंड की हुई है। और इनपुट में यहाँ पर ये 47K की एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। 47K की रेजिस्टेंस इसलिए लगाएंगे फ्रेंड्स जिससे कि अगर सिग्नल ना हो, सिग्नल अगर हम इनपुट ना करें तो इसमें नॉइज़ की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने 47K का यूज़ किया हुआ है। ये आप देख रहे होंगे ये फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस 10K का लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि गेन आपको एडजस्टमेंट करने पड़े या कर सकते हैं तो यहाँ पर एक प्रीसेट आप लगा सकते हैं 100K का या 220 का या जैसा भी आपको नीडफुल हो, जितना भी गेन ज़्यादा चाहिए होगा उसको आप कर सकते हैं। आउटपुट में 4.7K की रेजिस्टेंस लगाएंगे और हम यहाँ से आउटपुट इसकी ले लेंगे। 12 नंबर पिन, ये 8 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, ये दोनों सप्लाई की हैं। 4 नंबर पिन पे -12 वोल्ट और 8 नंबर पिन पे +12 वोल्ट। फ्रेंड्स अगर इस तरह का सर्किट बनाते हैं तो हमें एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई का हमें यूज़ करना चाहिए, तभी इसके रिज़ल्ट, जिस रिज़ल्ट की हम उम्मीद करते हैं वो रिज़ल्ट तभी मिलेगा जब इस पर हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसको हम रेगुलेट पावर सप्लाई ही दें, अनरेगुलेटेड सप्लाई देंगे तो जो रिज़ल्ट है वो उतने अच्छे नहीं आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। रेगुलेट पावर सप्लाई कैसे बनती है उसके वीडियो मेरे चैनल पे बने हुए पड़े हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। वो दोनों सिंपल ट्रांजिस्टर से भी रेगुलेट सर्किट बन जाता है या फिर 78/12 और 69/12 से भी आप सर्किट बना सकते हैं, वो भी ठीक काम करता है। तो कई मेरे पास कमेंट आए थे फ्रेंड, तो उसके कारण ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।